कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक पीसीसी सदस्य चौधरी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अनूपशहर नगर का नाम रोशन करने वाले असीम जावेद के सीए बनने पर एडवोकेट जावेद अख्तर के आवास पर पहुंचकर फूलमाला व बुके भेंटकर सम्मानित किया। शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र अनूपशहर के पूर्व विधायक पीसीसी सदस्य कांग्रेस नेता चौधरी गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एडवोकेट जावेद अख्तर के अनूपशहर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके सुपुत्र असीम जावेद, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिया स्कूल व हाई स्कूल जेपी विद्या मंदिर अनूपशहर व उच्च शिक्षा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से होने के उपरांत वर्तमान में सीए की परीक्षा पास करते हुए छोटी काशी अनूपशहर का नाम प्रदेश व देश में रोशन करने पर उन्हें फूल माला व बुके भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष सलाम खां, संचालन ज्ञानेंद्र सिंह राघव द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र सिंह व ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने कहा कि युवाओं को असीम जावेद से प्रेरणा लेकर ऐसे बेरोजगारी व महंगाई के दौर में जावेद अख्तर एडवोकेट द्वारा उनकी माताजी द्वारा दी गई परवरिश के चलते सीए की परीक्षा पास कर परिवार के साथ साथ अनूपशहर व जनपद बुलंदशहर का नाम प्रदेश और देश में रोशन किया। हमारे भाई जावेद अख्तर जी के बेटे आसिम जावेद ने चार्टर्ड अकाउंट की जो परीक्षा पास की है उससे हम लोगों का, क्षेत्र का, पूरे परिवार का, प्रदेश का और देश का, युवाओं के लिए, और मैं कहूँगा हमारा प्रदेश का नाम रोशन किया है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और उसी की मुबारकबाद के लिए हम लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए, जिससे बाकी नौजवानों में भी ये जगह कि वो भी अपनी मेहनत से अपना परिणाम अच्छा लेके आए और अपना आगे बढ़ने के रास्ते अपने चुने, जिससे आज जिस तरह प्रदेश में, देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अच्छी शिक्षा पाकर नौजवान अपना रास्ता, अपने रोजगार का, अपने परिवार के लिए अच्छा रास्ता चुने, जैसे बाकी लोगों को भी अच्छी सीख मिल सके। ज्ञानेंद्र जी, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एडवोकेट जावेद अख्तर जी के आवास पर पूर्व विधायक व पीसीसी सदस्य हमारे नगर अध्यक्ष सलाम खां, रविंद्र प्रधान जी, भाई अरविंद महाशय जी के साथ हम सब लोग, हमारे भाई आसिम जावेद ने जो सीए की परीक्षा पास की है और छोटी काशी अनूपशहर का जो नाम रोशन किया है, और आज के कठिन दौर में जो एक वातावरण आज चल रहा है, उस दौर में गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी देने और उससे युवाओं को प्रेरणा मिले कि कैसे बेरोजगार और महंगाई के दौर में अपने परिवार को और अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उस लिए हम आज आसिम जावेद जी को फूल मालाओं से बुके भेंट करके स्वागत करने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद।